सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइज। तो आ चुका हूँ मैं एक और नए ब्रांड वीडियो में। तो ये वीडियो थोड़ी दिन हो चुका है, मैं लोग बहुत ही ज़्यादा दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो वीडियो को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर देना। तो आज मैं बताने वाला हूँ तो हाउ टू मेक आयरन फार्म इन पॉकेट एडिशन माइनक्राफ्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर तो 5x5 का एक स्क्वायर बना लेना है आप लोगों को। यहाँ पर 1 2 3 4 और एक में था वो 5 हो चुका है। तो इसे स्क्वायर बना लेना है सबसे पहले 5x5 का, और उसे आप लोगों को 11 टाइम्स डाउन डिग डाउन करना है। तो चलिए मैं डिग डाउन करने के बाद आप लोगों को मिलता हूँ। तो यहाँ पर 11 ब्लॉक डिग डाउन करने के बाद आप लोगों के दोनों साइडों से दो दो ब्लॉक यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो मैं फिलअप कर लेता हूँ। तो फिलअप करने के बाद यहाँ पर हम लोग लगाने वाले हैं यहाँ पर बेड। तो आप लोगों को इसमें 20 बेड की ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग 2 3 4 5 5 इधर और 5 उधर लगाते हैं हम लोग सबसे पहले। तो यहाँ पर भी 5 लगा देते हैं। और आप लोगों को ये नीचे वाला एक ब्लॉक आपको तोड़ना है, ये इधर से उधर, और यहाँ पर आप लोगों को नीचे वाला ब्लॉक भी आपको तोड़ देना है पूरे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं तोड़ लेता हूँ। और अब भाई तोड़ने के बाद आप लोगों को इसमें भी बेड लगाना पड़ेगा। तो 5 इधर, 10 इधर और 10 उधर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 नीचे 5 ऊपर, यहाँ पर 10 हो जाए और 10 10 20। और 20 हो जाने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बस ऊपर से एक ब्लॉक का हाइट में यहाँ पर आप लोगों को फिलअप कर देना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फिलअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ब्लॉक फिलअप करने के बाद आप लोगों को चाहिएगा ब्लेजर। तो ब्लेजर आप कहीं से भी ला सकते हो, रेल कार्ड का भी यूज कर सकते हो या बोर्ड का यूज करके आप यहाँ पर ब्लेजर ला सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखाता हूँ वर्किंग टेबल लगाने को। तो यहाँ पर 2 और साइड में 1, यहाँ पर देख लो अच्छे से कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर इधर भी बना लेना है यहाँ पर। और अरे भाई यहाँ पर रॉन्ग हो चुका है। तो यहाँ पर फिलअप करते हैं और एक साइड में और एक इस साइड में। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का दोनों तरफ बना लेना है। तो 4 4 8 हो चुका है। और यहाँ पर आप लोगों को 6 लगाना है इस टाइप को यहाँ पर साइड में और इधर भी। तो कुछ इस टाइप का भी पीछे भी आप लोगों को बना लेना है। यहाँ पर फ्लेचिंग टेबल लगाने के बाद आप लोगों को अब ब्लेजर लाना है। उससे पहले आप लोग यहाँ पर फिलअप कर देना ये सब 2 ब्लॉक की हाइट में, क्योंकि ब्लेजर का भी 2 हाइट रहता है और हमारा भी। तो यहाँ पर आप 3 भी कर सकते हो, तो मैं 3 का करता हूँ। यहाँ पर फिलअप करते हैं पहले। और फिलअप करने के बाद हम 20 ब्लेजर लाएंगे। तो ब्लेजर लाते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को मिलता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग 20 ब्लेजर इकट्ठा करते हैं। तो आप लोगों को याद से भाई लोग, ये हर एक कोट वाला को आप लोग नहीं रखना है, क्योंकि यह हमारा जॉब भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसे मैं सबसे पहले तो क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर हमारा 20 विलेजर पुगने के बाद आप लोगों को नीचे तो सबसे पहले टॉर्च लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर मॉब स्पॉन ना हो, नहीं तो ये सब जॉम्बी विलेजर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो और यहाँ पर मैं फिलअप कर देता हूँ इसको। और भाई ये सब करने के बाद अब आपका काम रहेगा भाई कलेक्टिंग सिस्टम बनाने के लिए। और तो उससे पहले हम लोग एक साइड से एक और लेयर चारों तरफ से यहाँ पे हम डिग डाउन कर देंगे। तो यहाँ पर मैं डिग डाउन कर लेता हूँ सबसे पहले।
और यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आप लोगों को साइड में एक एक ब्लॉक यहाँ पर लगा देना है और उसके बाद आप लोगों को उसमें पानी आपको डाल देना है। और यहाँ पर भाई हमारा पहला आयरन गोलम स्पॉन हो चुका है। तो ये हमें काम करने में बहुत ही तकलीफ़ करने वाला है, तो सबसे पहले इसे हम लोग किल कर देते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को ये जो ब्लॉक है इसे आप लोग को तोड़ देना है। और आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों को साइड में एक ब्लॉक यहाँ पर खाली दिख रहा होगा। यहाँ पर आप लोगों को एक यहाँ पर एक कलेक्टिंग सिस्टम बनाना है। तो आप लोगों को यहाँ पर डिग डाउन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिग डाउन कर रहे हैं थोड़ा। तो यहाँ पर हम लोगों को कलेक्टिंग सिस्टम बनने वाला है। अरे भाई यहाँ पर दूसरा आयरन गोलम आ चुका है यहाँ पर, तो हम लोग इसे भी किल कर लेते हैं। किल करने के बाद हम लोग बनाएंगे अपना कलेक्टिंग सिस्टम। तो यहाँ पर चेस्ट लगाना है, तो वैसे तो चेस्ट नहीं लगेगा। तो यहाँ पर पीछे वाले दीवार को तोड़ते हैं सबसे पहले। और यहाँ पर आप लोगों को डबल चेस्ट भी लगाना है। अरे भाई भाग जा बिल्ली। तो यहाँ पर आप लोग डबल चेस्ट लगाने के बाद दो होपर भी लगेगा। तो यहाँ पर एक और आयरन गोलम देख लो भाई साहब, अभी भाई बनाया ही नहीं अच्छे से। यहाँ पर राजशाही गोलम स्पॉन होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। देख लो भाई एक और गोलम आ चुका है यहाँ पर। तो इसमें भाई बहुत ही गोलम स्पॉन होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसे भी क्लिक कर लेते हैं। तो आप लोग ये बना रहे भाई यहाँ पर एक और गोलम आप लोग देख सकते हो भाई। ये मतलब बोलना कि ये फेक वीडियो है ये वो कमेंट में। तो यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं सबसे पहले एक और होपर लगाना पड़ेगा आप लोगों को। अरे भाई यहाँ पर हमारा पानी थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ब्लॉक लगा देते हैं सबसे पहले पानी को रोकने के लिए। तो यहाँ पर लग गया अब। अरे भाई अब ये बिल्ली आ चुकी है भाई उसमें। यहाँ पर लगाने के बाद एक होपर लग चुका है। अब कुछ नहीं करना आप लोगों को, बस यहाँ पर पहले इसे फिल कर लेता हूँ मैं। अरे भाई ये बिल्ली लोग भी बहुत, चलो फिल हो चुका है। और यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस तीन साइन बोर्ड चाहिए। एक इधर लगाना है और एक नीचे और एक उस साइड में। और यहाँ पर आप लोगों को एक डोर फेंस लगाना है, उक्का फेंस गेट बोलते हैं इसको। तो वो लगाने के बाद आप लोगों को बस उसके ऊपर एक लावा बकेट रख देना है। तो यहाँ पर मैं लावा बकेट भी रख देता हूँ। और यहाँ पर भाई अभी रखने, अबे भाई कितना आयरन गोलम स्पॉन हो रहा है भाई। तो यहाँ पर हम लोग रख रहे थे सबसे पहले लावा, और इसे किल करने के बाद ही रख पाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर लावा रख देते हैं। और मैं अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर एफके भी रहूँगा। तो एफके रहने से पहले भाई अपना ये आयरन फार्म तो कुछ अच्छा देखना चाहिए ना। तो हम लोग यहाँ पर गेट का वाल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर चारों तरफ से वाल लगा देंगे और चारों कोनों में यहाँ पर हम लोग लाइट लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर, अरे भाई तो यहाँ पर हम लोग वाल लगाते हैं। और देख लो भाई अभी वीडियो में अभी आयरन फार्म बना ही रहा हूँ, कितना आयरन गोलम यहाँ पर स्पॉन हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ी देर एफके रह कर बताऊँगा कितना यहाँ पर आयरन दे रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लाइट लगा लेते हैं थोड़ा। तो सॉरी गाइज, यहाँ पर हमारा आवाज़ थोड़ा आप लोगों को अच्छा नहीं होगा लग रहा होगा। तो यहाँ पर थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि मुझे थोड़ा जुकाम हो चुका है, सर्दी खांसी। कलेक्टिंग सिस्टम का रास्ता इधर से ही जाने वाला है भाई लोग। तो यहाँ पर इधर देखते हैं, यहाँ पर सीढ़ी टाइप हम लोग बना गया। अरे भाई देख सकते हो यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग। और भाई देखते हैं, इसे पहले सबसे पहले तो मैं फिलअप कर देता हूँ इस साइड को, क्योंकि इसका कोई काम नहीं। और यहाँ पर देख चुके हो कितना आयरन हम लोगों को मिल चुका है। तो यहाँ पर हम लोग सीढ़ी टाइप बना लेते हैं, यहाँ पर बन चुका है। तो चलता हूँ मैं, थोड़ी देर एफके रहता हूँ और उसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ। देखता हूँ कितना मिलता है हम लोगों को आयरन। तो यहाँ पर आधे घंटे के बाद भाई, आधे घंटा एफके रहने के बाद यहाँ पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं कितना हमारा आयरन इंगट हमारा कलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा कलेक्टिंग सिस्टम इधर है, तो इसके अंदर हम लोग चलते हैं।
और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 2 स्टैक और 45 यहाँ पर हमारे पास हो चुका है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना, और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यहाँ पर वीडियो को एक लाइक करके एक शेयर भी कर देना भाई लोग। तो आज के लिए इतना ही, तो चलते हैं, बाय बाय दोस्तों।